तो भाई सुबह जल्दी पहुंच गए थे हम पचोर, लेकिन मार्केट में घुसने से ज्यादा लेट हो गए। ये भाई 11,200 का बिल बन गया, पेमेंट कर दिया हमने। और ये पार्ट अभी फिट नहीं हो रहा था तो इसको। गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हो आप सब भी? आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। आज जा रहा है अपन पचोर अपने बूढ़े भाई के लिए सामान लेने के लिए, क्योंकि ब्यावरा में ज्यादा बड़ा ऑटो पार्ट्स नहीं है। उस्ताद ने बताया कि पचोर में बहुत बड़ा ऑटो पार्ट्स है, वहाँ पर पूरा सामान मिल जाएगा। तो अभी गुरुवीर आ रहा है अपनी कार लेकर, और मोतीपुरा से अपने रोहित भाई को भी लेके चलना है। तो आप बने रहे पूरे ब्लॉग में। क्या हो गया, खाना खा के आया? अभी हम रोहित भाई को लेने के लिए जा रहे हैं उसके गांव पर। और अभी हम ब्यावरा से निकल कर आगे आ गए थे, भोपाल बाईपास पर रुक गए। गुरुवीर नाश्ता करने के लिए गए, हम रोहित भाई दोनों तो खाना खा कर आ गए थे। अरे यार, तो फाइनली हम पचोर पहुंच गए। अभी दुकान का एड्रेस पता नहीं था, रोहित भाई बगल में दुकान पे एड्रेस पूछने के लिए गया है। अभी हम दुकान पर पहुंच गए। क्या है कि वो टोचन मार दी कल फिक्सर से, सारे सामान टूट गए, अंदर गियर बॉक्स सारे खराब हो गए टोचन मारने से। घिस दिया तेज खेतों में, जबसे मारने में यही काम है हमारा, दिन भर टोचन करना ये काम। अभी भैया दो सामान तो निकाल कर ले आए। और क्या देना इनको? हाँ, ये भाई 11,200 का बिल बन गया, पेमेंट कर दिया हमने। आ गए भैया, सोटलेपुर से तुम तू सामान लेकर अपनी गाड़ी में रख लिया, निकल के वापस ब्यावरा और उस्ताद की दुकान पर पहुँच कर ट्रैक्टर में करवाते हैं फिर सामान। बोलना सीख कुछ। तो गाइस सुबह जल्दी पहुंच गए थे हम पचोर, लेकिन मार्केट में घुसने से ज़्यादा लेट हो गए। और अभी ब्यावरा आ गए, ब्यावरा में हम जा रहे हैं सीधा मैकेनिक के पास। जो सामान लेके आए वो भादरूगढ़े में लगवाना है, यानी कि भादरूगढ़े के बड़े भाई बूढ़े भाई में, यानी कि झोटे में। और चलते तीन लोग हैं हम साथ में। सोयाबीन के पैसे सारे गए। उस्ताद जी हंस रहा है बहुत जोर से, वीडियो बना रहा हूँ तो देख के हंस रहा है। दूसरे ट्रैक्टर वाले कोई नहीं बनाता है वीडियो, क्यों नहीं बनाते? सर घूम गए तो अभी तक नहीं मिला उस्ताद जी जुगाड़ से, एक नया वाइस सर बना रहे। और ये गुटका गलत लग गया है भैया, वापस निकाल रहे हैं इसको, निकाल कर वापस सही लगाएंगे। अरे भाई भैया, तो अभी अपना आधा काम के आसपास कंप्लीट हो गया है, और पीछे का सिस्टम भी वापस कटने लग गया भैया। भाई आयल लेकर आ गए है, एक बाल्टी आयल है, खराब है तो फाइनली अब भाई ने आयल डाल दिया है। आधा आयल लगभग डल चुका है, इसमें डाला इसमें वो डलेगा, और वो गियर बॉक्स का काम भी चल रहा है अभी। और ये पार्ट अभी फिट नहीं हो रहा था तो इसको ब्लेंडर से थोड़ा सा घस कर इसको फिट किया है, और अब लग चुका है पूरा। गियर वेयर का काम कंप्लीट हो गया था तो वापस से फिटिंग कर दिया।
बाकी है अभी। ये वाला बच रहा है बस, ये वाला ऊपर वाला पार्ट्स। और फाइनली अभी इसे फिटिंग कर रहे हैं, बाकी का सारा काम हो चुका है। अभी सभी ट्रैक्टर का काम कंप्लीट हो गया, बस अपना ही ट्रैक्टर बचा था। सभी उस्ताद अपने ट्रैक्टर में लगे हुए हैं और जल्दी से जल्दी फ्री हो जाएगा अपने ट्रैक्टर का काम भी। आयल डल रहा है फाइनली। बहुत देर से गियर फिटिंग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो हम पचोर से गियर टॉपर लेकर आए थे, इसकी साइज बड़ी निकल गई है, मैच नहीं हो रहा है पुराने वाले से, इसलिए इसे चेंज करके वापस से नया लेकर आना पड़ा। जो टॉपर आए थे हम पचोर से, वो बड़ा निकला, उसको इसमें पैक कर दिया और इसको ले चलते हैं, इसकी साइज का लाएंगे वापस से। तो हम फाइनली महिंद्रा के शोरूम पे पहुंच गए। ऊपर वाला चाहिए आपको? और अभी टापा लेने अंदर आ गए हम, और भैया निकाल के ला रहे हैं अंदर से शोरूम से टापा। और अभी हम शोरूम पे आए थे, तो यहाँ पे भी ये गियर टापा जो नहीं मिल रहा है, तो फिर से पचोर जाना पड़ेगा। तो फिर से पचोर चलते हैं, वहीं से लाएंगे इसको चेंज करवा के। ये जो बड़ा आ गया था, इसको चेंज करवा के दूसरा लिया। हम फाइनली पचोर पहुँच गए और दुकान पर आ गए और यहाँ पर एक्सचेंज कर लेते। सुबह ले गया था, गियर नहीं लग पा रहा है, लोग वीडियो बना मतलब क्या बाबा। तो हमने एक्सचेंज कर दिया टॉपर को, पेमेंट ले लिया वापस, और अब जा रहे हैं दूसरा लेने के लिए। अब महिंद्रा के शोरूम पे जा रहे हैं वापस, देखते हैं वहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता है। मुझे यहाँ तक यकीन है कि वहाँ पे मिल गया है, क्योंकि सुबह से परेशान हो रहे हैं। महिंद्रा के शोरूम पे आ गए और यहाँ मालूम करते हैं मिलता है कि नहीं ये टॉपर। अरे नहीं ला पाया है मोतीपुरा से, यार यहाँ से तो हम जो पचोर से सामान लेकर आए थे, उसमें से एक सामान ऐसा था जो फिट नहीं हुआ था, और उसे चेंज करने के लिए हम वापस पचोर चले गए थे। और हमें दूसरा सही फिटिंग वाला सामान पचोर में भी नहीं मिला, तो उस्ताद को फ़ोन करके बता दिया था, इसलिए भोपाल से नए पार्ट ऑर्डर करके मंगवा लिया और बूढ़े भाई को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते अगले व्लॉग में।